26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद से किसान आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद जहां कई किसान संगठनों ने आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया, तो वहीं बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर छोड़कर लौट चुके थे। सिंघू बॉर्डर पर कल तक यही लग रहा था कि आंदोलन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राकेश टिकैत का रोने का वीडियो वायरल क्या हुआ, हरियाणा पंजाब से दोबारा किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली पहुँचना शुरू हो गए। भारी संख्या में किसान वापस लौटे। सिंघू बॉर्डर पर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या बढ़ रही है। देखो जी, कल तक जो लोग कह रहे थे कि आंदोलन को ढा लग जाएगा या कम लोग आ रहे हैं, आज उनको किसानों ने एकजुटता दिखाकर सरकार के पहले पत्ते को फेल किया है। दोबारा खड़े हुए हैं किसान इकट्ठे, एक झंडे, सब अपने बातें भूलकर दोबारा इकट्ठे आकर देख, आज देखिए यहाँ ट्रैफिक जैम है। हर शहर से 1000, 2000, 500, 100, गांव-गांव से ट्राली, घर-घर से इंसान आ रहे हैं। आज हरियाणा आ गया, पीछे काबला देखो यार, केंद्र सरकार दिया जना हल चल गया, अब जत के जावांगे। और 26 दी जगले रैली सी ओ साजिश कामयाब नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरह के हालात है, उसको कैसे देखते हो? अब हालात देखो कैसे है, गाजीपुर रात फिर आ गया, वहाँ पर टिकैत शेर बोल रहा, यहाँ पर हरियाणा आ गया, ये देखो पीछे कितना बड़ा काफला है, ये अब देखने की नहीं, अब तो मोदी को दिखाना, हमने तो देख लिया, हमारा तो बस। इस बढ़ती हुई भीड़ को आते देख गदगद हुए किसान नेताओं ने भी कहा है कि भीड़ को कम बताने वाले एक बार आकर देखें, और साथ ही देश भर के किसानों से अपील की है कि देश भर से किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंचे। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा है कि कुछ लोग दिल्ली देहात के लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। आज जो भाई पंजाब के हमारे यहाँ आके बैठे हुए हैं, ये खाली पंजाब की समस्या को लेकर नहीं आए, पूरे देश की किसान की समस्या। आज ये आंदोलन कोई पंजाब का नहीं है, पूरी यूपी लगी हुई है, पूरा हरियाणा लगा हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, मतलब तमिलनाडु है, प्रदेश स्तर पे हर जगह ये आंदोलन हो रहा है। ये राष्ट्रव्यापी विषय हैं, और हमारे कुछ बच्चों को ले जाके कुछ लोग गुमराह करके, हमारे कुछ भाइयों को ले जाके जिस तरह का दो दिन से ये कुछ हुआ है, ये मतलब हम लोगों को, मैं भी आप के बीच से हूँ दिल्ली देहात का होने के नाते, ये मेरा आप पे जो है एक हक भी बनता। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को हुई हिंसा पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अफसोस जाहिर किया। साथ ही सिंघू बॉर्डर पर हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि लापता किसानों की जानकारी इस नंबर पर दी जाए, ताकि किसान यूनियन आंदोलनकारियों पर हुए मुकदमे लड़ेगी। साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि वो लापता किसानों की जानकारी इस नंबर पर दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान यूनियन आंदोलनकारियों पर हुए मुकदमे भी लड़ेगी। हम एक नंबर जारी कर रहे हैं, जिसका भी कोई भाई अंदर हो वो कृपया उसकी पूरी डिटेल हमारे नंबर पे फोन करके बता दे कि कहां कहां मुकदमा दर्ज हुआ है और किस किस नाम से हुआ है, कौन कौन भाई जेल में है, और जिस भाई के जिसके लड़के लापता हैं और उनको ये शक है कि वो जेल में हो सकते हैं, वो किसी थाने में हो सकते हैं, वो भी हमें ये जानकारी दें। और जितने भी केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उन सब का जो केस है वो हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का रोते हुए भावुक वीडियो जब देश भर के किसानों ने देखा, तो किसान दिल्ली की तरफ रात को ही चल पड़े। भारी संख्या में किसान फिर से दिल्ली के बॉर्डर की तरफ लौट रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर, एक बार फिर किसानों का पहुंचना जारी है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।